असी जी सत्त हैगे अफराद जिन्हां दे विचों पंज मजदूर है, छोटा भाई हैगा जिहड़ा उह साडे तिन्नां तों छोटा। नादरीन वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको लेके आई है आरिफ आला का करीबी इलाका मोहल्ला ज़ियानगर। मोहल्ला ज़ियानगर का अगर मोहल्ले वकूअ देखा जाए तो बूरा रोड से मुंसलिक ये आरिफ आला की आबादी का सबसे बड़ा इलाका है, और अगर यहाँ पे लोगों की तादाद वोट की बात की जाए या इन लोगों के जो हालात उनकी बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर कसीर तादाद जो आबादी है वो मिडिल मैन लोगों की है, यानी कि वे एक जो है ना वो गरीब गुरबा लोग इस मोहल्ले में ज़्यादा आबाद हैं। इसी तरह जिस घराने के अंदर आज हम मौजूद हैं, मेरे पीछे एक फैमिली आप देख रहे हैं जो तकरीबन 80% लोग इस फैमिली के डिसेबल पर्सन हैं, यानी कि मजदूर हैं। तो इनके ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये खानदान के कितने अफराद मजदूर हैं, इनके घर का राशन खान पीन, इनका टोटल जो घर का निज़ाम है वो कैसे चल रहा है, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे, परेशान। मुल्क के अंदर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसकी राया ज़िंदगी कैसे बसर कर रही है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनका क्या हाल है और इनकी राया का क्या हाल है जिन्होंने उनको वोट दे के अपने ऊपर मुसल्लत किया है। तो आइए आज इस मुल्क के हुक्मरानों का भांडा भी फोड़ते हैं, और उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन के नाम भी ये पैगाम जाएगा, असास प्रोग्राम के पैसे कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, इसका जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो आइए आज इस फैमिली से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इनका क्या पुरसाने हाल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम है? अल्लाह तो मेरा नाम है जी। बाबा जी तुहाडे घर जो टोटल किन्ने अफराद ने? असी जी सत्त हैगे अफराद जिन्हां दे विचों पंज मजदूर है, छोटा भाई हैगा जिहड़ा उह साडे तिन्नां तों छोटा है, ते ओ काम कार आपदा करदा, मेहनत मजदूरी करदा आपदी, उह साडा भी पेट पालदा आपदे बच्चियां दा भी पालदा है, तो असी भी आपकी जिनी हुंदी है हिम्मत असी अपनी अभी करने हैं, असी ये नहीं है कि भी असी वेले बैठ के खाने, लेकिन जेडे ना भी बीमारी सानू बहुत ज़्यादा दबाई खड़ी है, तो सानू बीमारी का कोई हल कढ़िया जाए साडे इहदा सानू बहुत सारी परेशानी है भी असी चल फिर नहीं सकते पूरा, यानी कि साडे चलन फिरन का भी असी चलो बंदा अंदर बाहर जोगा हो जाए ना, जो बंदा असलों मजदूर हैगा भी वह तो अंदर बाहर जोगा हो जाए, तो सानू इन्हां इलाज की खासकर जरूरत हैगी है, इलाज करवाया। साबका दौरे हुकूमत दे विच इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिता, तुहाडा उहदे ते कोई इलाज नहीं हो सकिया? सेहत कार्ड दिता है उन्होंने जी, वो कहंदे ने जी सेहत कार्ड दिता है, पहले तो असीं जदों इत्थों किराया ला के जाईदा वो कहंदे ने जी आह काम करवा लिओ, आह करवा लिओ, आह टैसट करवाओ, आह फलाना करवाओ, आह फलाना करो, वो तो पैसे लवा लेंदे ने साडे कोलों, अद्धे तो पैसे वह लवा लेंदे ने, जदों ऑपरेशन का टाइम आउंदा है उदों कहंदे ने जी असीं हुण करदे हां, वो ऑपरेशन के दौरान दे विच जिहड़ा ना वो पैसे लाते हैं, तो उस तो अगे पिछे जिन्ने टैस ने वो तो साढ़े को साढ़े को इन्ने पैसे नहीं, असी तो किराया ला के बड़ी मुश्किल नाल पहुँचना होंदा इत्थे। बाबा जी बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लोगों को मिल रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के उस तो बाद एहसास प्रोग्राम के पैसे मिल रहे, तुहाडे फैमिली के पांच अफराद डिसेबल परसन ने, तुहानू की मिले? सानू तो कुछ भी नहीं मिले, साडी वालदा नू जिहड़ा 2000 रुपया वो लगा हुआ है। 2000 रुपया कौन दे? ज़कात कमेटी दे रही, कौन दे रहा? ये नहीं सानू भी पता भी वह किधरों, मतलब भी 2000 रुपया महीने बाद जिहड़ा ना भी वो नव इमरान खान लो आ रहे हैं या जिथों भी आते पे ने, वो सानू दूसरी बार दे मिल रहे हैं। बाबा जी सर्वे तुहाडे महल्ले का भी होया लेकिन तुहाडा नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट च नहीं आया? नहीं आया। तो तुहाडे कोले इलाज करवाउण दे पैसे भी नहीं हैगे, पंज फरा तुहाडे जिहड़े इस टाइम मजदूर ने, तुहाडे घर का खान पीन किवें चलदा है? बस खान पीन तुहानू दसी जांदे भी असीं जिन्नी कु मेहनत करने आ अपनी खा लैने जी, भी वध साडे कोले हुंदे कोई नहीं, ते भी असीं अपना जा के उत्थों दवाई लै आईए जां गोलियां खा लईए, साडे कोल इन्नी गुंजाइश हुंदी भी जिहड़ा असीं खा लैने। जे तुहाडे बच्चे पंज घर दे अफराद मजदूर ने, उहनां दी मजदूरी च की मसला, किसे नूं मतलब पोलियो आ, कोई किस लैवल दी बीमारी? मेरे उपर लगी आ सट, मकान दी छत गिरी सी उत्ते, उदों मेरी 13 साल दी उम्र सी जदों मैनूं इह कम शुरू होया जी, ते मेरे ते सट दी वजह नाल फिर पैसे लगदे ही रहे, गुरबत जिहड़ी आ ना टुरदी रही, फिर उस तो बाद छोटा भाई हो गया मतलब भी ये ते सट ला अपना पोलियो हो गया इन्हों में भी, वो मेरे वाल पैसे लाते रहे वो नहीं उन्नी तवज्जो हो सकी जी, मुड़ के एक भाई हो रह गया मतलब भी वो अचानक वो छत तो डिग पिया, डिगण ना उहदियां दोनों लत्तां टुट गईयां, दोनों लत्तां टुटण ना एक सैड का गिट्टा टुट गया, एक सैड का झूला टुट गया,
असी उहदे ऑपरेशन भी करवाए ने लेकिन उहदे कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होए। उस तो बाद छोटी भैन बैठी हैगी है, इहनूं कोई पट्ठिआं दा मसला बन गया, पट्ठिआं दी वजह नाल इह कमज़ोर हुंदी गई। मुड़ के एक भैन बैठी आ उहनूं फालज हो गया, उहनूं फालज होण नाल फिर जिहड़ा ना उह वी बहि गई मंजे ते। वालदा साडी जिहड़ी उमर दी ज़्यादा है अजीब हो गई, मतलब भी वो कोलों भी कम कार नहीं हुंदा, बाहर नहीं फिरिया तुरिया जांदा, वो भी मरीज़ वगरी है भी वह भी गोलियां रोज़ खाँदी है तो टुरदी है माड़ा चंगा। तुहाडे खानदान च तुहाडे वालद तों पिछे किसी कोई इवें दा मसला तो नहीं है सी? नहीं जी, साढ़े किसी नूं मसला नहीं सी। मेरे मकान की जो मेरे उत्ते छत डिगी है ना, बस उस तो बाद कमजोरी साढ़े घर तो टुरी आई है, बीमारियां वधदियां गईयां वधदियां गईयां। तो तुहाडे इस इलाके दे विच तुहाडे नाल किसी बंदे ने कोई बीमारी दे वल नाल तुहाडे नाल कोई ऐसा तावन कीता होवे हॉस्पिटल दे विच किसी किस्म दा? साडा असी ना किसी नूं कोशिश की भी कहो सानू भी असी कही कही भी साढ़े ना कोई करे जी जी, तो लेकिन साढ़े तो मतलब जिन्ने क होंगे सी असी अपने आप ही लाते रहे उत्ते, लेकिन साडा मसला हल नहीं हुंदा रहा। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ मुमकिन है तुहानूं बहुत सारे अदारे देख रहे हो, उन्हां तों की अपील करोगे अपने इस फैमिली के मुतलक जो डिसेबल परसन ने? जी हूँ अपील की जाने असी यो अपील करांगे जी भी असी साढ़े कोल जगह साड़ी रब ने दाती साडा वालद बना गया जी, तो मकान मकून जिहड़े ने साडे वो वेख ही रहे जे तुसीं भी कितनी कंडीशन दे ने। बस इन्ना कि जिहड़ा ना भी साडा तां इलाज वाला मसला हल हो जाए। सानू अल्लाह पाक जिहड़ा ना रोज़ी की कमी नहीं दिंदा, रोज़ी वो मालक दिंदा, रोटी मिल रही है, बस इलाज का मसला है। हाँ जी इलाज का मसला है। डॉक्टरों को पूछो तुहाडे जिहड़े इलाज ने पाकिस्तान च मुमकिन है ने, ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल हैगे ने? देखो जी ये तो हुण डॉक्टरों के सामने जो बंदा जाता उदों वो दस दिन ना भी आ कुछ होएगा, जो हिम्मत वो इलाज थोड़ा जिहा महंगे ने साडे ते, असी कम उन्ना महंगा करा नहीं सकते, गल इन्नी के। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं आरीवाला का करीबी इलाका मोहल्ला ज़ियानगर, और मोहल्ला ज़ियानगर की ये डिसेबल फैमिली जिनके 5 अफराद जो है ना वो मजदूर हैं, और इनके घर के हालात किस तरह हैं वो आपने बखूबी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिए हैं। इनके साथ जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जो बेंदी इनकम सपोर्ट के पैसे किन को मिल रहे हैं, सास प्रोग्राम के पैसे किधर जा रहे हैं, ये सवालिया निशान हमेशा इस हुकूमत के ऊपर रहेगा। साबका दौरे हुकूमत के अंदर, मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर इन लोगों के साथ किसी ने कोई तआवुन नहीं किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का क्या ने हाल है कोई पता नहीं। कल क़यामत वाले दिन ये लोग उनका गिरेबान पकड़ेंगे, जिनकी ये राय हैं, जिनको ये वोट देते हैं, जिनको ये टैक्स पेड करते हैं। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के, पंजाब के एक ऐसे गरीब घराने से आपकी मुलाकात करवाएगी जो किसी मसीहा के मुंतजर हैं। हम इन लोगों का एड्रेस और मोबाइल नंबर अपनी स्क्रीन पर देंगे ताकि कोई ऐसा डॉक्टर जो पाकिस्तान का, कोई ऐसा मसीहा जो इन लोगों की आवाज़ सुन सके, जो इनका दर्द महसूस कर सके और इनका इलाज करवा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरू हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इन लोगों के साथ तावुन कीजिएगा, इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। कैमरामैन रिजवान शाहिद के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।